हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट प्रमिला सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाऊंगी एक लंच की डिश। लंच है ये, पूरा थाली बोल सकते हैं इसे, जिसमें होगा दाल, चावल और आलू की भुजिया, जिसे हम क्रिस्पी पोटैटोज भी बोलते हैं, फ्राइड पोटैटोज भी बोलते हैं। बस खास बात यह है कि ये छोटे पोटैटोज़ लेने हैं हमें, छोटे साइज़ के, और उसके आलू को पील नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी छीलना नहीं है, आलू के छिलकों के साथ ही ये बनेगा। और ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, इसे आप चाहें तो स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स मैंने आपको स्क्रीन पर दे दी है और इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। सबसे पहले फटाफट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस करने से मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और नई नई डिश आपको सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें हम लोग छोटे आलू लेने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड साइज में काट लेना है। और उसके बाद मस्टर्ड ऑयल लेके इसे गर्म होने के लिए रखना है। और उसमें तड़का के लिए आप ये लाल मिर्चें जो है ये डाल दीजिए और जीरा डाल दीजिए। जब क्रैक हो जाए तो इसके अंदर हम आलू जो हमने डिप कर रखे है पानी में, उसको इसमें डाल देना है। पानी में डिप करने की वजह ये होती है कि जो भी स्टार्च है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी में डिप करके रखना भी ज़रूरी होता है। और आलू काले नहीं होते, इसलिए भी पानी में डिप करके रखना ज़रूरी होता है। तो लीजिए, एंजॉय कीजिए मेरी कुकिंग को और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। Thank you.
हमारे दाल में तड़का लग गया, अब खाना लगभग बन गया है। याद रखिएगा, जब दाल में हम तड़का लगाते हैं तो उसके बाद उबलने देना चाहिए, हमें 1, 2, 3, 4 उबाल आने देना चाहिए, ताकि जितना भी तड़का है वो दाल के पोर पोर में समा जाए। और अब हम अपने भीगे हुए चावलों को कुक कर लेते हैं और बस हमारी कुकिंग ख़त्म होने वाली है, चावल बनने वाले हैं और भूख बहुत तेज़ लग गई है। तो थाली सजने वाली है, इंतज़ार कीजिए थाली सजने की। और जैसे ही थाली सजेगी तो बस उसको आपको मन करेगा कि खा जाए। सच में ये इतनी फेवरेट है मेरे घर में सबकी, और मुझे मालूम है सबके घर में ये फेवरेट है सबकी। कुछ नहीं है, दाल चावल आलू की भुजिया बनाइए, खाइए, फटाफट बन जाने वाली डिश है। तो मुझे बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये डिश, और मेरे तरीके से ये आलू की भुजिया आप बना के ज़रूर देखिए। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है ये पापड़ और अचार, मज़ा आ जाने वाला है। तो एंजॉय कीजिए इस मेरी कुकिंग को, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।